नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा एक घर की बनती प्लानिंग में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। अभी चल रहा है यहाँ पर फाउंडेशन से काम, तो जो फाउंडेशन से यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर जो हॉल बेडरूम किचन यहाँ पर जो बनाए जा रहे हैं उसका साइज मैं आपको दिखाऊंगा और प्लानिंग यहाँ पर जो की जा रही है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इसका फ्रंट का यहाँ पर जो साइज है वहाँ 15 और इसके यहाँ पर गहराई 40, मतलब टोटल 600 स्क्वायर फीट पर और पूर्व दिशा पर इस घर के यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। और जो शुरुआती प्लानिंग होती है फाउंडेशन से वाली वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो दिखाने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा प्यारा सा बनते हुए घर की प्लानिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का फ्रंट है यहाँ पर है 15 और इसकी यहाँ पर गहराई 40, मतलब टोटल 600 स्क्वायर फीट पर आप देख सकते हैं। नीचे से सिंगल मंजिल की प्लानिंग की जा रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर पूर्व दिशा पर इस घर के यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है सबसे कम साइज पर 600 स्क्वायर फीट पर, और जैसे जैसे इसकी आगे की प्लानिंग चलेगी वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में पहला कालम, दूसरा कालम और तीसरा कालम, मतलब तीन कालम फ्रंट पर यहाँ पर दिए गए हैं और एक पानी का टैंक यहाँ पर बनाया गया है फ्रंट पर। आप देख सकते हैं पूरी मैं आपको हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बनाया जाएगा गाड़ी पार्किंग यहाँ पर बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी स्पेस आपको जगह यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर बनाया जा रहा है गाड़ी पार्किंग 8x12 इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है, मतलब आपके टू व्हीलर गाड़ी आप यहाँ पर आसानी से पार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर 8x12 यहाँ पर पार्किंग साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर एक हॉल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा और हॉल के साइड में आपको यहाँ पर ये जगह जो दिख रही है यहाँ पर किचन की यहाँ पर आप देख सकते रंगत दी गई है। यहाँ पर ये किचन यहाँ पर बनाया जाएगा 10x6 इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ से दूर से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन, यहाँ पर किचन की यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी और यहाँ पर पार्किंग की आप जैसे प्लानिंग की गई है। और जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक हॉल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक हॉल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है 9x14 इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है, मतलब गाड़ी पार्किंग और पानी का यहाँ पर टैंक। और साइड पर आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक किचन और यहाँ पर एक हॉल यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। देख सकते हैं हॉल की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है और हॉल के जस्ट यहाँ पर साइड से आप यहाँ से आएंगे तो आपको एक बेडरूम यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ बेडरूम, यहाँ पर पूरा एक बेडरूम की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। वन बेडरूम यहाँ पर बनाया जा रहा है 14x9 इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और एक इस बेडरूम से अटैच यहाँ पर एक लेट बाथ को बनाया जाएगा या फिर कॉमन लेट बाथ यहाँ पर बनाई जाएगी। जो भी इसकी प्लानिंग होगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम की प्लानिंग की गई है और एक हॉल और किचन और यहाँ पर पार्किंग बनाई जा रही है। तो कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और एक छोटा सा यहाँ पर कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 4 और एक आगे फ्रंट में 5। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 और एक 7, मतलब दो कॉलम यहाँ पर बीच में दिए गए हैं 7 और एक आगे यहाँ पर 8 और एक यहाँ पर 9, 10, 11, 12 और 13 कॉलम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और जो कि मेन कॉलम यहाँ पर रहेंगे वो आप देख सकते हैं आई साइड यहाँ पर जो मेन कॉलम है वो यहाँ पर रहेंगे। और जैसे यहाँ पर प्लेंथ कंप्लीट होगी इसके बाद यहाँ पर जो जुड़े होगी उसकी भी वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ताकि जब आप घर बना रहे हो तो शुरू से लेकर आखिर तक की प्लानिंग आपको मिलती रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा घर 15x40 का फ्रंट का। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।